श्रीनगर से लौट आए गए डी राजा बोले, कश्मीर में नहीं है हालात सामान्य। हैदराबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के महासचिव डी राजा ने अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के राज्य सरकार के कदम को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए रविवार को कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। राजा दिल्ली से गए विपक्षी दलों के उस 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद घाटी के हालात का जायजा लेना चाहता था। हालांकि प्रशासन ने शनिवार को विपक्षी नेताओं को श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर निकलने नहीं दिया। भाकपा नेता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और कश्मीर स्थिति पर पार्टी की एक बैठक में कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, लोगों को यह समझना चाहिए। वहां टेलीफोन नहीं चल रहा है, सरकार कह रही है कि लैंडलाइन चल रहे लेकिन नहीं, हमने कोशिश की थी, न इंटरनेट चल रहा है और न ही टेलीफोन काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा। स्कूल और कॉलेज खुले हैं लेकिन कोई भी छात्र नहीं आ रहा है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। कश्मीर में कर्फ्यू है, अगर सब कुछ सामान्य है तो इसे क्यों जारी रहना चाहिए है?